बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे सब्ज़ लहसुन की कढ़ी, और ये बड़ी ही मज़ेदार रेसिपी है। गांव में ये बहुत ज़्यादा लोग बनाते हैं, और इसके लिए जो लहसुन हमें चाहिए वो ताज़ा लहसुन चाहिए। उसके लिए आज खेत से हम लहसुन लेंगे। हम कोशिश करेंगे कि जो बड़े साइज के हमारे पास गड़नी है वो ही यहाँ से लें, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बड़े साइज का ही लिया जाए। ये जो मूलियाँ पक जाती हैं तो इनके ऊपर फूल लग गए हैं, इनके ऊपर आप लगेंगे मोगरे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अभी इसको हम कूट लेंगे। इंडिया में घी शामिल किया और साथ ही कुछ लाल मिर्च जो है वो साबुत हम शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। प्याज शामिल करेंगे। प्याज ब्राउन हो गया, अब इसमें हम वो जो लहसुन था उसको हमने कूट लिया वो शामिल करते हैं। अभी अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। अदरक को अच्छे तरीके से भून लिया, भूनने के बाद अब सब्ज मिर्च और टमाटर हम शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाह।
आधी चम्मची हम लाल मिर्च शामिल करेंगे, नमक शामिल करेंगे एक चम्मच, और साथ ही आधी चम्मची हल्दी की शामिल करेंगे। अभी हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, अभी इस तरीके से भूनेंगे ताकि तमाम चीज़ें जो है वो अच्छे तरीके से हल हो जाए। कड़ी जो है वो ज़्यादा पतली नहीं हमने करनी, बिल्कुल थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे मज़ीद, तकरीबन इस तरह की हमने रखनी है। सब्ज़ धनिया है लास्ट में, माशाल्लाह से बड़ी ही ज़बरदस्त तैयार हुई है कड़ी। इसको आप चावलों के साथ खाएं या रोटी के साथ, बहुत ही मज़ेदार है। तो ज़्यादातर हम जो है इनको चावलों के साथ ही खाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मज़ेदार कड़ी तैयार हुई है। आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और साथ ही इसको शेयर भी ज़रूर कीजिएगा दोस्तों में। तो बहुत सारी दुआओं के साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।